लगा था और ये पूरा रात में पूरा हमने जला दिया हमारा घर और ये यहाँ से वहाँ तक पूरा जगा दिए जलाया पूरी अलमारी जलाया अलमारी खोल खोल के ये तो ये उसमें सामान वामान पूरा जेवर ये सब रखे फिर जला दे दिया। हिंदू मुस्लिम का विवाद अब गर्माता जा रहा है। कभी मुसलमानों के साथ मारपीट हो रही है तो कभी उनकी हत्या कर दी जा रही है। ये सब देखकर तो यही सवाल जहन में आता है कि क्या भारत में मुस्लिम समुदाय सेफ है। जी हाँ दोस्तों, दिल दहला देने वाला एक और मामला सामने आया है जिसमें एक परिवार को केवल मुस्लिम होने की वजह से घर से बेघर किया जा रहा है। उनके घर में आग लगाई जा रही है, उनको भगाया जा रहा है। वर्षों से रह रहे मुसलमानों को उनके ही घर से अब बोला जा रहा है कि यहाँ रहने नहीं देंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर बताते हैं क्या है पूरा मामला। हम तो थे घर में ताला लगा था और ये पूरा रात में पूरा हमने जला दिया हमारा घर और ये यहाँ से वहाँ तक पूरा जगा दिए जलाया पूरी अलमारी जलाया अलमारी खोल खोल के जलाया ये कूलर है मेरे उसमें सामान वामान पूरा जेवर ये सब रखे फिर जला दिया। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से इनके घर को जलाकर खाक कर दिया गया। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मुसलमान परिवार के घर में आग लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिवार का घर सिर्फ इसीलिए जलाया गया कि वह मुसलमान है, वहीं उसके ऊपर गांव से पलायन करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी आदतन अपराधी है, मुकदमा दर्ज के बाद उसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक खंडवा के कोड़िया हनुमान मंदिर के पास रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि उनसे कहा गया कि अब यहाँ मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बाद मुस्लिम परिवार के घर और ऑटो में आग लगा दी। पीड़ित मुस्लिम परिवार का कहना है कि वे बरसों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन क्षेत्र के ही दीपक उर्फ बंटी उपाध्याय, बंटी मामा और चार अन्य लोगों ने पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार के मुताबिक इस मारपीट के बाद घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा के बाद परिवार भी दो दिन के लिए अन्य जगह पर रहने को मजबूर हो गया। जब वह वापस अपने घर लौटे तो आरोपियों ने सलीम बेग का ऑटो जला दिया और शौकत अली के घर में घुसकर आग लगा दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी उन्हें कहते हैं कि इस मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, हमने इसकी शिकायत पुलिस से की है। वहीं कोतवाली TI बलजीत सिंह विसैन ने बताया कि आरोपी हनुमान मंदिर के पास रहने वाला दीपक उर्फ बंटी उपाध्याय है, वह कुख्यात अपराधी है। उसने सलीम बेग का ऑटो जला दिया और शौकत अली के घर में घुसकर आग लगा दी। कोतवाली TI बलजीत सिंह बिसेन के अनुसार दीपक उर्फ बंटी उपाध्याय पर 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इस पर जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है, अब नए मामले दर्ज कर बड़े स्तर पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आरोपी फरार है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM न्यूज एक्सप्रेस।